हेलो एवरीवन दिस इज शिल्पा शर्मा लेक्चरर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम द इंडस्ट्री इज फेसिंग ऑन द होल एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन पर्टिकुलर दिस इज नोन एज लेबर टर्न या एट्रिशन रेट एट्रशन का लिटरल मतलब होता है टूट के अलग होना तो इससे आप समझ सकते हैं कि लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट करते हैं या ड्यू टू विच एवर कॉज दे लीव द जॉब दिस इज नोन एज लेबर टर्न ओवर नाउ लेबर टर्न ओवर का मतलब सिर्फ छोड़ के जाना नहीं होता है लेबर टर्न ओवर का मतलब होता है द रेट एट विच द ऑर्गेनाइजेशन गेन एंड लूज एम्प्लॉय यानी नए एम्प्लॉयज को ज्वाइन करना और पुराने एम्प्लॉइज के ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने की जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं लेबर टर्न ओवर नाउ देखिए ऑर्गेनाइजेशन है तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा ही नए एम्प्लॉयज़ आएंगे ज्वाइन किए जाएंगे अलग अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी उनको उनके स्किल्स के हिसाब से लिया जाएगा वैकेंसी क्रिएट की जाएगी रिक्वायरमेंट होगी और पुराने कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जिस भी रीज़न से छोड़ करके जाएं तो वो जाएंगे चाहे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए या फिर ऑर्गेनाइजेशन से उनको टर्मिनेट कर दिया जाए क्योंकि वो एक पुअर परफॉर्मर थे या फिर किसी और वजह से तो कुछ ना कुछ कारणों से नए एम्प्लॉयज आएंगे और पुराने एम्प्लॉयज छोड़ के जाएंगे बट देर टू बी अ गैप ऑन इट देर हैज टू बी अ लिमिट टू इट एंड दिस इज वेयर द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट जनरली ये माना जाता है कि लेबर टर्नओवर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 10 से 12 परसेंट तक अगर रहता है यानी हर सौ में से 10 या 12 लोग अगर छोड़ के जा रहे हैं और फ्रेश ज्वाइन कर रहे हैं देन इट इज नॉट लेकिन ये देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ओवर रेट दस बारह तो नहीं बल्कि बीस से पच्चीस तक भी चला जाता है जैसे डिसम्बर क्वार्टर में अगर हम टीसीएस का रेट देखें तो वो ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव परसेंट हो गया टीसीएस जैसी इंडिया की इतनी बड़ी आई टी जॉइंट कंपनी विप्रो का देखें तो उससे थोड़ा ही कम 22% परसेंट के आसपास हमको मिलता है अगर हम तीन साल का डेटा कंपेयर करें यह तो हुई टीसीएस और विप्रो यानी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस की बात इंडिविजुअली भी देखा जाता है और इंडस्ट्री वाइज भी जैसे हम अभी जो हमने अभी जो बात की वो टीसीएस के लिए बात की लेकिन हम पूरी आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे जिसमें महिंद्रा भी आएगा टीसीएस भी आएगा विप्रो भी आएगा इन्फोसिस भी आएगा सी भी आएगा एवरीथिंग अगर हम इस वाइज क्लासिफिकेशन में तीन साल का डेटा कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि 2019 में कंबाइनिंग ऑल द इंडस्ट्रीज लेबर टर्नओवर का रेट कुछ 45.1 परसेंट के आसपास था 2020 में ये रेट बढ़ के लगभग सत्तावन परसेंट हो गया 57 परसेंट लेकिन 2021 में ये घट के फिर 47 के आसपास आया 22 का डेटा अभी फुली कंप्यूट होना बाकी है सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जितना लेबर टर्न ओवर रेट परमिसेबर हो रहा है इसका क्या कारण है क्यों लोग छोड़ के जाते हैं देखिए एलपीजी के एरा के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ गई क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स सीन में आए तो उन्होंने कॉम्पिटेंसी डिवेलप की अहंगर फॉर स्किल लहंगर फॉर कॉम्पिटेंसी आज के एरा में अगर आप स्किल बेस्ड काम कर रहे हैं एंड मोर द नंबर ऑफ स्किल्स यू आर अक्वायरिंग हायर विल बी योर डिमांड इन द मार्केट सो द सेम थिंग इज रिस्पॉन्सिबल डिजिटल एरा में टेक्नोक्रैट्स का जो टेक्निकली किसी स्किल पे काम करते हैं उसका बहुत डिमांड है और इसीलिए लेबर टर्नओवर का ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है क्या लेबर टर्नओवर सिर्फ इसी कारणों से हो रहा है नो इफ वी डिस्कस ब्रॉडली अबाउट लेबर टर्नओवर रेट वी सी दैट देर आर टू रीजन वाई लेबर टर्नओवर है एक रीजन है अवॉइडेबल रीजन अवॉइडेबल मतलब जिसको ऑर्गेनाइजेशन टू एन एक्सटेंट अवॉइड कर सकती है अगर वो इस बात का संज्ञान ले इफ इट टेक्स एन टू अकाउंट दैट इट इज losing लेबर एट a फास्टर रेट than इट शुड इट कैन वर्क ऑन these aspects और दूसरा कैटेगरी है unavoidable yani यानी वैसे रीजन्स जिसमें ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकती है आप कितनी भी अच्छी पॉलिसी लेकर के आएंगे कुछ भी हो जाए लोग छोड़ के जाएंगे ही लेट इस फर्स्ट डिस्कस समथिंग फ्यू पॉइंट अबाउट अवॉयडेबल रीजन क्या होते हैं जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ आपने लीडरशिप पढ़ी है और मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में यह समझाया है कि लीडरशिप का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है जो आ, काम का इम्पैक्ट होता है वो तो होता ही है लेकिन साइकोलॉजिकल भी क्योंकि मोटिवेशन जॉब सेटिस्फैक्शन दीज आर ऑल द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ एन एम्प्लॉई विच द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक इन अकाउंट टू टैप देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप कैसी है जैसे अगर वहाँ अथॉरिटेरियन स्टाइल चलता है अथॉरिटेटिव स्टाइल चलता है तो प्रॉब्ली एम्प्लॉयज को वहाँ काम करने में लंबे समय तक दिक्कत होगी ऑन दी अदर हैंड अगर वो पार्टिसिपेटिव फॉर्म फॉलो करता है डेमोक्रेटिक फॉर्म या लीडरशिप uh, स्टाइल थोड़ी ऑटोक्रेटिक नहीं है अगर फुली डेमोक्रेटिक नहीं है तो भी

या फिर वर्क से अदर चीजों को रिलेटेड पॉलिसी क्या है हॉलीडेज की पॉलिसी क्या है इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एचआर की पॉलिसी इन जनरल कैसी है ये सारी चीजें किसी कंपनी को हेल्प करती हैं कि वो लेबर टर्नओवर को रोके या बढ़ा दे। इसके अलावा भी अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छी हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है किसी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच का जो रिलेशनशिप होता है जो नेचर ऑफ वेज के कारण अरइज होता है इकोनॉमिक कारणों की वजह से अरइज होता है तो इसको कहा जाता है एक इंडस्ट्रियल रिलेशन अब इस इंडस्ट्रियल रिलेशन का थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट समझिए कि यहां सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच की बात नहीं हो रही है यहां बात एम्प्लॉयर का एम्प्लॉई से एम्प्लॉ का उसके ट्रेड यूनियन से एम्प्लॉ का उसके पियर्स से उसके सबॉर्डिनेट से हर चीज मिला के इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़िए और तब समझिए कि जहाँ वर्क कल्चर हेल्दी होता है केयर वाला होता है कंसर्न वाला होता है वहां देर आर हायर चांसेस ऑफ एम्प्लॉयज टू गेट रिटेन्ड एंड ऑन दी अदर हैंड आपने सुना होगा ये चीज अपने बड़ों से जो लोग काम करते हैं वो क्या कहते हैं कि पैसा अच्छा देती है ये कंपनी लेकिन वर्क कल्चर खराब है और ऐसे भी एक बहुत फेमस कोर्ट है जॉब्स को रिलेटेड कि एम्प्लॉय डोंट लीव देयर जॉब्स दे लीव देयर बॉसेस और यह बहुत सही है अगर आपका बॉस आपके साथ कंड्यूसिव वर्क एनवायरमेंट विच इज इन द स्पिरिट ऑफ डेवलपमेंट नहीं बना के रखते हैं अथॉरिटेटिव स्टाइल फॉलो करते हैं तो काफी चांसेस होता है कि आपको मन करेगा कि आप जॉब स्विच कर लीजिए ऑन दी अदर हैंड अगर थोड़ा बहुत पैसा कम भी होता है यू ट्राई टू रिमेन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन इसके अलावा आज का एरा हंग यंगस्टर्स का एरा है जो स्किल डेवलपमेंट में भरोसा करते हैं जो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी मार्केट में बढ़ाने के ऊपर बहुत फोकस रखते हैं वैसे कंडीशंस में उनको सूटेबल करियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि उनको आगे बढ़ने के लिए स्कोप देखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ सकते हैं आगे कोई कोर्स परस्यू कर सकते हैं आगे वो पीएचडी कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सकते हैं नॉलेज को एनहैंस कर सकते हैं जिससे न केवल सिर्फ उनको फायदा हो बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑन द होल फायदा हो और इसके लिए बहुत सारी कंपनीज अपना स्पोंसरशिप प्रोग्राम लाती है जैसे विप्रो ही ग्रेजुएट्स को अब्सॉर्ब करती है और उसको मास्टर डिग्री कराती है और खुद स्पोंसर करती है बैंक ऑफ बड़ौदा पीएचडी करने के लिए जो उनके एचआर कैंडिडेट्स हैं उनको वो प्रमोट करती है कि आप पीएचडी करिए उसके लिए बहुत सारा सपोर्ट प्रोग्राम्स भी है उनका तो इसको कहते हैं करियर एडवांसमेंट की फैसिलिटीज इसके अलावा अगर हम अनअवॉडेबल कॉज के बारे में बात करें जैसे जिन चीजों को अवॉइड नहीं किया जा सकता है तो वैसी चीजों में आता है जैसे लड़कियों के केस में मैरिज हो जाएगा लड़कियों के केस में मटर्निटी प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम जनरल बात करें तो एक्सीडेंट है अगर आप के दिमाग में ये बात है कि आपको दो साल ही काम करना है और उसके बाद अपना एक स्टार्टअप खोलना है आप दो साल कंपनी इसलिए ज्वाइन किए हैं क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि काम होता कैसे है ताकि वो आपको बिजनेस में एड करेगा तो वैसे केसेस में पैसा कितना भी बढ़ाया जाएगा तो आप रुकने के लिए तैयार नहीं होंगे इसके अलावा भी अन में शिफ्टिंग ऑफ प्लेस या शिफ्टिंग ऑफ योर फैमिली भी आती है और अवॉइडेबल का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन सैलरी भी होती है अगर कम पेमेंट किया जाता है तो यह बहुत ऑब्वियस बात है कि आपकी नीड पूरी नहीं हो रही है एंड यू विल लुक फॉरवर्ड टू स्विचिंग योर ऑर्गेनाइजेशन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक इन डिटेल अबाउट क्या किया जा सकता है लेबर टर्न ओवर को रोकने के लिए और क्यों लेबर टर्न ओवर प्रॉब्लम है आज के वीडियो में तो हमने ये डिस्कस किया कि लेबर टर्नओवर क्या होता है कुछ डेटा देखे और कुछ कॉजे देखे इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट कि क्यों लेबर टर्नओवर प्रॉब्लम है क्यों कंपनी हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है फिर भी लेबर टर्नओवर अगर होता है तो कंपनीज को ये प्रॉब्लम होती है सो प्लीज वॉच माई सेकेंड वीडियो इन ऑर्डर टू गेन कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट लेबर टर्न टॉपिक थैंक यू